शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ करेंगे, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के एक बयान से बीजेपी उखड़ गई है। जी हां, दिनों दिन भीषण होते जा रहे बंगाल की सियासी जंग में नेता आपा खोने लगे हैं। बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान देवी देवताओं को जरिया बना लिया। सीता पर टीएमसी सांसद के इस बिगड़े बयान से बंगाल में कोहराम और भी तेज हो गया। सीतारामन का जी बोल बोलो भाग्यिस रावण आमाके हरण करे निये गेछिलो, आज जदि तोमार चेला गुलो जानो ई जय कि बोले हाँ लाल फेट्टी होलु गेरुआ फेट्टी बोले बोले जदि तोमार चेला गुलो जदि आमाके हरण करे निये जेतो ताहले आमार उत्तर प्रदेशे हाथरासेर धर्षिता मेयेटार मतो अवस्था होतो। कहते हैं बुखार जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान का खुद पर बस नहीं रह जाता, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। सियासत के बुखार की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। ये जनाब माननीय हैं, बंगाल से टीएमसी सांसद हैं, नाम है कल्याण बनर्जी। लेकिन चुनावी माहौल में इनके जहन में सियासत कुछ इस कदर हावी हो गई कि आपा खो बैठे। विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश में देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। राम और सीता को लेकर मन मर्जी का किस्सा गढ़ डाला और अपने समर्थकों के बीच चटखारे ले लेकर परोस भी दिया। सीता रामेर का जी बोलछे बोलो भाग्यिस रावण आमाके हरण करे निये गेछिलो, आज जदि तोमार चेला गुलो जानो ई जय कि बोले हाँ लाल फेट्टी होलु गेरुआ फेट्टी बोले বলে যদি তোমার চেরাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তর প্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। তয় থা কি কল্যাণ বনার্জি কে এসে বোল অনসুনে নহি জায়েঙ্গে। বঙ্গাল কি জমিন সিয়াসত সে লেকর সোশ্যাল মিডিয়া তক উনকা ইয়ে বয়ান গুঞ্জনে লাগা। মেঘালয় কে পূর্ব গভর্নর অর বিজেপি কে তথাগত রয় নে টুইটার পর কল্যাণ বনার্জি কে খিলাফ মুহিম ছেড় দি। इस इंसान को जानते हैं कल्याण बनर्जी, एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरर किया, अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरर किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया है। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और FIR के लिए मैं गोलावड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफ़ी मांगे। बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान चला रही बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, हिंदू विरोधी जैसे तीर बीजेपी के तरकश में भरे पड़े हैं। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के बयान इन तीरों की धार को और तीखा बना रहे हैं। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प न होती हो। बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों से पहले और उसके बाद सियासी लड़ाई खूनी रंग ले लेती है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी बंगाल के सियासी चरित्र के भुक्तभोगी बन चुके हैं। बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश में होती है तो ममता के सिपा सालारों के बयान भी उसके चुनावी एजेंडे की ताकत ही बन रहे हैं। मनोज लोहिवाल और दीपक देवनाथ के साथ वैद्यनाथ झा, कोलकाता आज तक। कल्याण बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इनका हिसाब करेगी। जनता इसका हिसाब जरूर करेगी
और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनकर आते हैं, अगर वो अमर्यादित हैं और इतने अमर्यादित हैं जिनकी निंदा जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। सर आप मानते हैं? और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त जुड़ गई हैं कोलकाता से। मनोज्ञा, कल्याण बैनर्जी के इस बयान पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या फिर पल्ला झाड़ लेगी हमेशा की तरह? फिलहाल तो पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि हर बार जब इस तरह के बयान आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस में इस बात पर चुप्पी रहती है। अंदरूनी माहौल जरूर खराब हो रखा है, क्योंकि अगर 2019 में जय श्री राम का नारा लग गया था तो अब सीता माता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी हो सकता है तृणमूल कांग्रेस को काफी महंगी पड़े, क्योंकि बीजेपी इसको जाने देने वाली नहीं है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है कि हो सकता है आज या कल के अंदर बीजेपी प्रदर्शन भी करे। FIR हो ही चुकी है। एक चुने हुए सांसद द्वारा इस तरह के वक्तव्य रखना अपने आप में जिस तरह से कई सवाल खड़े करता है, तो उसके साथ दूसरी ओर पार्टी की मंशा और बीजेपी के आरोप का खंडन कई जगह उसे और ज्यादा ताकत दे देता है। साथ ही मनोज्ञा, जिस तरीके से अब आर पार की जंग छिड़ गई है, पश्चिम बंगाल के चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में अब ये अमूमन देखा जाएगा कि मंच पर आप चढ़िए, किसी भी देवी देवता या फिर किसी के प्रति भी आप शब्दों का इस्तेमाल करिए और वहां पर सुर्खियां बटोरिए। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, अमूमन हर चुनाव में ऐसा होता है, वो बिहार, बंगाल, असम या फिर तमिलनाडु के चुनाव हों। लेकिन इस बार जिस तरह से आर पार की लड़ाई है, तृणमूल कांग्रेस पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, बार बार तुष्टीकरण की राजनीति का हो या फिर जिस घुसपैठ की राजनीति का हो, या कई ऐसे आरोप लगे हैं जिनका खंडन करना कई मामलों में मुश्किल हो रहा है पार्टी के लिए। और उसके बाद अगर पार्टी के ही चुने हुए सांसद, कल्याण बनर्जी एक वकील हैं, वो एक सांसद हैं, दो बार नहीं तीन बार लोकसभा से जीते हैं, 2009 से लेकर अब तक तीन बार लोकसभा से सांसद बने हैं श्रीरामपुर से। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर एक चुने हुए सांसद और एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा नेता जिसने सिंगूर आंदोलन में सारे केस हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तृणमूल कांग्रेस के लिए लड़े हैं, एक इतना बड़ा वकील अगर इस तरह से टिप्पणी करे तो उसे पार्टी कैसे अपने बातों में उसका खंडन करे या ना करे, इसका फैसला कैसे करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कोरोना टीकाकरण की करेंगे, जल्द ये शुरू होना है और इसको लेकर तमाम तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में टीकाकरण की अंतिम तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। मोदी राज्यों के वैक्सीनेशन से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। इस दौरान टीकाकरण के खर्च का मुद्दा भी उठ सकता है। ज्यादातर राज्य सरकारें मुफ्त टीकाकरण की वकालत कर रही हैं। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान के बारे में प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं। पहले दौर में 3 करोड़ लोगों को टीका लगने की तैयारी है। इधर उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के आखिरी दौर का ड्राई रन किया जाएगा। यूपी में इस तरह की मॉक ड्रिल तीसरी बार की जा रही है। आज पूरे प्रदेश में 1500 जगहों पर तैयारियां परखी जाएंगी। इसमें राजधानी लखनऊ के 61 अस्पताल शामिल होंगे। तो टीकाकरण को लेकर पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट में तैयारियां चल रही हैं। इस समय वहां वैक्सीन को स्पेशल ट्रक्स में लादकर भेजने की प्रक्रिया हो रही है। तो आज वो दिन आ गया है कि जब जो कोरोना वायरस है, जो महामारी है, उसके उससे लड़ने के लिए जो वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहा है, जो भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे देश भर में उसका वितरण होने वाला है, वो वितरण कैसे होने वाला है, जो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर मेंटेन ट्रक्स के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा ये देश भर में 62 केंद्रों पर भेजे जाने वाला है। तो मैं फिलहाल पुणे में हूँ और हमारे साथ वो शख्स है जिसने पूरे भारत में ये ट्रक्स के द्वारा वितरण करने की जिम्मेदारी ली हुई है, कुणाल अग्रवाल है, उनसे बात करते हैं। कुणाल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज कुणाल अग्रवाल। यस, हमारी ये जिम्मेदारी दी है सरकार ने। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास, हम लोग ये काम 20 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमारे पास काफ़ी कुछ ट्रक्स का फ्लीट है जिसमें हम लोग ये सारे वैक्सीन कैरी करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया। बिकॉज ऑफ आर, क्योंकि हम इस बिजनेस में कई सालों से है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आए हुए हैं। जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, चाहे वो पनीशिया हो, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे सरम हो, या जाइडस हो, या एस्ट्राजेनिका हो, वो सारे वैक्सीन हम फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन टू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब हम लोग जो है सारा वो कैरी करने वाले हैं टेम्परेचर कंट्रोल। यहाँ पर आपने सुना कि पुणे से अब
यानी आज ये वैक्सीन कोविड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है वो देश भर में ले जाने का काम आज से शुरू होने वाला है। 400 ट्रक्स जो कि एयर कंडीशन ट्रक्स है, टेम्परेचर मेंटेन वहाँ पर होता है, ऐसे ट्रक्स पुणे से निकलने वाले हैं और देश भर में ये वैक्सीन ले जाने वाले हैं। साथ ही साथ ये वैक्सीन हवाई जहाज के मार्ग से भी अन्य बड़े शहरों में जाने वाला है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि 4 बजे आज एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। टीकाकरण के अंतिम दौर की तैयारियों पर यह चर्चा की जाएगी। अलग अलग राज्यों में कैसे टीकाकरण को लेकर प्लानिंग की गई है इस पर विचार किया जाएगा। पुणे से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपने पहले भी अंदर सीरम इंस्टीट्यूट के जाकर ये देखा था कि कैसे वैक्सीन बनाई जा रही है, कैसे स्टोरेज की प्रक्रिया है। आज आपने ये भी बताया कि कैसे इन्हें अलग अलग ट्रक्स में लोड करके भेजा जा रहा है। ये तैयारियां पूर्ण रूप से इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि वैक्सीन जब तक एंड यूजर तक पहुंचे तब तक ठीक रहे। ऐसे में क्या तैयारियां आने वाले वक्त में जब तक ये वैक्सीन लग नहीं जाती? यहाँ ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खासम खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे पहले आज तक पर ये तस्वीर आप देख रहे हो जहाँ पर ये पूरे देश को समझ में आएगा कि भारत सरकार ने कितनी बड़ी तैयारी की है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। और इस तरह से ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इन ट्रक्स में लोड होकर, और खास जो बात आपने कही है कि टेम्परेचर मेंटेन कैसा होगा, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो बॉक्सेस है, जो हमने पहले बताया था कि किस तरह से बॉक्सेस में जो वैक्सीन लोड हो रहा है, पैक हो रहा है, लेबलिंग हो रहा है, आज वो दिन आया है कि वो बॉक्सेस इन ट्रकों में लोड होकर फिर आगे जाएंगे। तो हमारे साथ वो शख्स है जिसमें ये जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी है, कुणाल अग्रवाल है। उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ खास है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कुणाल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार जी, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पूरे सब देशवासियों को कोविड वैक्सीन सही सुरक्षित सलामत हमें पहुंचाना है। तो वैसे तो हम ये काम जो है वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन और फार्मा ट्रांसपोर्टेशन कई सालों से कर रहे हैं, करीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हम लोग को इस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो हमारे ट्रक्स जो है सारे गियर्ड अप है, दे गो फ्रॉम -25 to +25। तो हम लोग कोई भी वैक्सीन कोई भी टेम्परेचर रेंज में कैरी कर सकते हैं एंड वी आर फुल्ली इक्विप्ड एंड रेडी टू गो। हवाई जहाज से जाने वाला है वैक्सीन, साथ ही साथ रोड मार्ग से भी जाने वाला है। तो ये जो आपको जिम्मेदारी दी है कि रास्तों के सड़क के मार्ग से पहुंचाना है, तो जो ट्रक्स कितने हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? करीबन 400 ट्रक्स हैं हमारे अभी, और ये ईच ट्रक जो है मल्टीपल ट्रिप्स करेगा ऑल ओवर दुनिया के हर इंडिया के हर कोने में हम ये लेके जाएंगे वैक्सीन। और जो है स्टेट पुलिस और जो वेरियस स्टेट पुलिसेज हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर कॉन्वॉयज एंड। आपके पास पंकज, आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से अब ट्रक्स में लोड कर देश के अलग अलग हिस्सों में ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लेकिन बात अब किसान आंदोलन की करेंगे, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का 47वां दिन है। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। दरअसल इससे पहले कल करनाल में किसानों का उग्र रूप देखने को मिला। सीएम खट्टर की रैली से पहले किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते रैली को ही टालना पड़ा। 3 कृषि कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं किसान। 47वां दिन है आंदोलन का। किसान संगठनों की मांग है कि 3 कृषि बिल वापस लिए जाएं। 25 और 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड होनी है। उसके पहले एक परेड पहले भी की जा चुकी है और उस पर किसानों का यह कहना था कि ये महज एक ट्रेलर है, असली परेड 25 और 26 जनवरी को की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल करनाल में हमने देखा था किस तरीके से किसान उग्र हो गए थे। रैली से पहले जो बातचीत करने की बात थी उस पर किसानों ने वहां संघर्ष किया था। तो 6 जनवरी के बाद आज फिर से किसानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट आज इस मसले पर जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।
कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू होनी है और आज की सुनवाई में तीनों कृषि कानून की वैधता, किसानों पर किए गए बल प्रयोग और किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। शनिवार को इस मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें शाहीन बाग मामले में कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किसानों को दिल्ली बॉर्डर से तुरंत हटाने की मांग की गई। वहीं सुनवाई से पहले किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक किसानों ने कोर्ट का रुख नहीं किया है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो कोर्ट के सामने सवाल यह है कि किसानों के खिलाफ बल प्रयोग को चुनौती कैसे दी जाए, इस पर याचिका डाली गई है। वहीं किसानों का यह आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनवाई से पहले किसान नेताओं का बयान देखिए। AIKSCC ने यह बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका है ना हो सकती है, ये मसला देश के राजनीतिक नेतृत्व को हल करना चाहिए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटू इस मसले को अपने हाथ में लेना चाहिए था और सरकार को निर्देश देना था कि जब इस देश के किसान इस कानून के खिलाफ हैं तो उन पर ये कानून क्यों थोपा जा रहा है। इतना शांतिपूर्वक, इतना अहिंसात्मक सत्याग्रह, इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी और इतना ज़्यादा उत्तेजित करने के बाद भी, मौसम की प्रतिकूलता, बारिश भी देख ली, ओले भी देख लिए, सर्दी भी देख ली, मैं सलूट करता हूँ वहाँ बैठे हुए किसानों का जिन्होंने बहुत ही अहिंसात्मक ढंग से किया है। तो उन पर ये आरोप नहीं लग सकता उन्होंने बलपूर्वक रास्ता रोका है या उन्होंने कहीं से हिंसा की है। मुझे पूरी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। वहीं नोएडा दिल्ली के चीला बॉर्डर पर किसान कृषि कानून के विरोध में अभी डटे हुए हैं। किसान रोज नए तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने चीला बॉर्डर पर दंगल का आयोजन कर सरकार को अपनी ताकत दिखाई है। देश की बेटियों ने पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर सबसे लंबी उड़ान पूरी करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ, एयर इंडिया की 4 महिला पायलट्स का ये दल सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर डायरेक्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज सुबह करीब 4 बजे लैंड किया। इस उड़ान पर जोया अग्रवाल के साथ कैप्टन तन्मयी पापागिरी, कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी मनहास मौजूद थी। जब इन तीनों ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उनका एयरपोर्ट की टीम ने गुलाब के फूल देकर स्वागत किया। सभी के चेहरे पर एक गर्व का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। सिलिकॉन वैली इंडिया की कनेक्ट करने का आज मुझे बहुत ही खुशी है। एयर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सब ने मिलकर ये एक सपना साकार किया है जो कि दो सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करता है। यह है दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक उड़ान है जो आज हम नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर के आए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा इतिहास का पन्ना पलटा है हमने और ये हम सब ने महिला विमान चालिकाओं ने करा है। आप बताइए, 4 आपके सामने विमान चालिकाएं इतनी हिस्टोरिक फ्लाइट उड़ा के आई हैं, इससे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और कुछ नहीं हो सकती। यह है एक एक लड़की जो बाहर देख रही है उसके लिए ये एक सपना सच करने का जरिया है कि सपनों को मत छोड़िए, सपने को देखिए, उसकी आंख में देखिए, परिश्रम करिए दृढ़ता से और आप वहां पे जरूर पहुंचेंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।